नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सिंह कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत। आज कंप्यूटर की संरचना के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करती है, उस पर क्रिया करती है तथा क्रिया से प्राप्त परिणामों को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करती है। कंप्यूटर में सभी कार्य करने के लिए किसी एक तत्व का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी एक तत्व का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हें करने के लिए अलग अलग डिवाइस काम में ली जाती हैं, इसलिए कंप्यूटर को सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम। इन्हें करने के लिए अतः यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कंप्यूटर की अत्यधिक या आंतरिक संरचना कैसी है और कौन कौन सी डिवाइस एक साथ मिलकर किस प्रकार कार्य करती हैं। कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर में प्रयोग की गई डिवाइस के कार्य के आधार पर कंप्यूटर की आंतरिक संरचना को चार इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। तो सबसे पहले हम इनपुट यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। इनपुट यूनिट में वे सभी उपकरण आते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा तथा निर्देशों को एंटर करने के लिए किया जाता है। इनपुट यूनिट के महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। यूजर द्वारा डाटा तथा निर्देशों को स्वीकार करना, इनपुट किए गए डाटा को इस रूप में बदलना जिसे कंप्यूटर समझ सके, परिवर्तित डाटा को सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए भेजना। सामान्यतः इनपुट के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले मुख्य उपकरण कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ओसीआर, ओएमआर। अब दूसरा कंप्यूटर की संरचना में यूनिट है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में वे सभी उपकरण आते हैं जिनका प्रयोग प्रोसेसिंग से पहले एवं प्रोसेसिंग के बाद सूचना, निर्देशों तथा परिणामों को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आउटपुट यूनिट के महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। सूचना, पहला कार्य है इसका सूचना तथा परिणामों को प्राप्त करना। दूसरा कार्य है प्राप्त सूचना को इस रूप में बदलना जिसको यूजर
समझ सके। परिवर्तित सूचना को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करना। सामान्यतः आउटपुट के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले मुख्य उपकरण मॉनिटर और प्रिंटर आदि हैं। कंप्यूटर की संरचना में तीसरा यूनिट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई है जो इनपुट यूनिट द्वारा एंटर किए गए डाटा को प्रोसेस करने से पहले, प्रोसेसिंग के दौरान तथा प्रोसेसिंग के बाद स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। यदि कंप्यूटर में डाटा अभाव को देखें तो डाटा इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। ये डाटा प्रोसेसिंग से पहले तथा प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर की मेमोरी में स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। मेमोरी के डाटा को प्रदर्शित करने के लिए आउटपुट यूनिट को भेजे जाते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट निम्न दो प्रकार की होती है। पहली है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर की वह यूनिट होती है जो प्रोग्राम के निर्देशों व डाटा को प्रोसेसिंग के दौरान तथा प्रोसेसिंग के बाद अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। यह मेमोरी सीपीयू से सीधे ही जुड़े होती है तथा उसको तीव्र गति से डाटा प्रदान करती है। यह मेमोरी परिवर्तनशील होती है क्योंकि इसमें स्टोर डाटा तब तक रहता है जब तक सिस्टम में पावर रहती है। यह मेमोरी महंगी होने के कारण कम मात्रा में प्रयोग की जाती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहली है रैम, दूसरी है रोम। अब इसमें मेमोरी यूनिट में जो दूसरी मेमोरी है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट होती है जो प्रोग्राम और सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। इस मेमोरी को द्वितीय मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मेमोरी अपरिवर्तनशील होती है तथा इसमें एक बार सूचना को स्टोर करने के बाद उसका प्रयोग कभी भी किया जा सकता है तथा उसे कभी भी प्रोसेस कराया जा सकता है। यह मेमोरी सस्ती होने के कारण अधिक प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए इसमें है मैग्नेटिक डिस्क को सामान्यतः सेकेंडरी मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आज हमने कंप्यूटर की संरचना के बारे में तथा कंप्यूटर की संरचना में
तीन यूनिटों के बारे में जानकारी दी है, इसलिए सभी इसको ध्यान से देखें, पढ़ें और आगे भी इसको सब्सक्राइब करें।